और देश के कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा है, ये भी आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। साथ ही गोवा का जिक्र करें तो 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य यहाँ पर अपने अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं, अपने मामलों को देखते हुए, अपनी हालात और स्थितियों को देखते हुए। वहीं पर तमिलनाडु ने 14 जून तक के लिए लॉकडाउन की इस तारीख को बढ़ा दिया है, तो पंजाब ने 10 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं झारखंड में 10 जून, ओडिशा में 17 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, शहर शहर किस तरह से कोरोना के अपडेट है, किस तरह से कोरोना से इस वक्त मौजूदा हालात है, अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए। मुंबई, जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं, कहीं पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो कहीं पर लॉकडाउन में भारी छूट मिली है। हालांकि इतना ज़रूर तय है कि जिस तरह से मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, अगर इसको हम बरकरार रखते हैं तो यकीनन पूरा देश बहुत जल्द अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। और देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,20,000 नए मामले सामने आए। मामला कम होता देख अनलॉक की प्रक्रिया भी अब तेज हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो सोमवार यानी कि 7 जून से, कल से अनलॉक दिल्ली अब होने जा रही है। तो महाराष्ट्र में भी सोमवार से अनलॉक के नए नियम लागू हो जाएंगे। क्या ये नियम होंगे, क्या ये तस्वीर बन सकती है, कहां पर क्या छूट आपको मिलने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ढलान पर है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के अनलॉक होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गई है जिंदगी के पटरी पर लौटने की कवायद। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से कामगारों के बड़े पैमाने पर लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अनलॉक की इस प्रक्रिया में छुपा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे आगे बताएंगे। पहले देखिए क्या है दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का अनलॉक प्लान। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। सोमवार से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के साथ ही दुकान, बाजार, मॉल्स फिर से खुल रहे हैं, वो भी ऑड इवन की तर्ज पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इसका ऐलान किया। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। लॉकडाउन के बाद दिल्ली एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ने को तैयार है। जिस तरह से पिछले हफ्ते से ही अनलॉक की प्रक्रिया में कई सारी फैक्ट्रीज को खोला गया था, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार ने आज साफ किया है कि जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी अब खुल सकती हैं 7 जून से। ऑड इवन के बेसिस पर दुकानें खुलेंगी, मतलब दुकान अपनी दुकान नंबर के आधार पर खोली जाएंगी,